मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां दो पत्तियां रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है, और उस डंडी के नीचे जहां दो पत्ती है, इस दो पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है महाराज, उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो संपूर्ण उसी के अंतर्गत संपूर्ण। केवल आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए, घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की जरूरत। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर बैठे होंगे। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का दिया। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा, बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा नहीं, इसको कोई साधारण सा ना समझ। भगवान शिव की जब कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण कर पाते। भगवान देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर भगवान शंकर, दया सागर, जिन्होंने आप सबको यहां पर आमंत्रित करा, कहीं भोले बाबा की दया और उदारता ही है जो पूरे शहर सीहोर में, ऐसा कोई भवन नहीं है जिसमें आप लोग नहीं है, ऐसा कोई भवन नहीं जहां आप लोग, और शहर तो शहर, पूरे नगर में, पूरे गांवों में, खेड़ों में, क्षेत्र में, और एक निवेदन आप सभी से,
जितनी देर की कथा है आप लोग उसको स्मरण कर कर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बाबा देवाधिदेव महादेव ने ये करुणा करी है, कृपा करी है, दया करी है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस आपके आसपास में अगर कोई खड़ा हुआ हो, बोल रहा हो, तो उसके चरण पकड़कर आप उसको कहें कि थोड़ा शांत रहें, जिससे हम भगवान की, जिस कारण आए आप, आए किस कारण से, आप किस लिए यहां पहुंचे हो। केवल उसके दो कारण हैं, एक बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए और दूसरी शिव महापुराण की कथा चाहिए। केवल दो कारण है, और उसके सिवाय कोई कारण आपके पास में है? कौन किसके यहां आता है जी, किसके बस का है? जो कोई आए जाए, किसके बस का? ये तो देव अधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उदारता है, जिसके बल पर हम भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण कथा का रस स्वादन करते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। बाबा से केवल एक निवेदन, एक प्रार्थना, और बाबा से केवल एक विनती, हमारे जीवन की एक सार्थक, कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कृपा ना हो तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। संसार में आने के बाद देखिए, अगर भगवान के होना है, परमात्मा के अगर हमको होना है, तो थोड़ा सा तो जीवन में कष्ट। वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है। इसमें 14 दीप का, निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप वृंदा, वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे, और वृंदा ने उसी समय भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ शिव सामने सम
वृंदा, तेरे पति ने जो उपद्रव मचाया था, जहां जहां मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सब खंडित कर दिए, जो ब्राह्मण पूजन करने बैठते थे तेरा पति जलंधर उनके प्राणों को हर लेता है। वृंदा, कहीं किसी गांव में अगर भोजन और भंडारा होता था तो तेरा पति उसमें कुछ गलत पदार्थ मिला देता है। वृंदा, तेरे पति को मारना जरूरी था। वृंदा की आंख में आंसू भरे थे और वृंदा आंसू भरती भरती कहती है, भोलेनाथ मैं ये भगवान विष्णु को श्राप देती हूं कि ये पत्थर के हो जाए, ये पत्थर के हो जाए। और मैं वृंदा हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर डालती हूं और मैं तुलसी का पौधा बनूंगी, पर भोलेनाथ हे शंकर हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाश, मैं तुलसी कभी आप पर नहीं चढ़ूंगा। केवल वर्ष में एक दिन होगा, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान का हरिहर मिलन होता है, बैकुंठ चतुर्दशी दीपावली के बाद में आती है, पूर्णिमा के पहले, कार्तिक पूर्णिमा जो आएगी बैकुंठ। और इस बैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व है साहब, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, विद्या में कमजोर होते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति कमजोर होती है, जो उनको माता पिता बार बार कहते पढ़ 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 और बच्चा पढ़ता नहीं है, उनका दिमाग उनकी चित्तवृत्ति खेलने में लगी रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिव महापुराण कहती है बैकुंठ चतुर्दशी।